नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। समाजवादी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं 107 विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार यादव उर्फ राजू, 108 विधानसभा क्षेत्र से आलोक शाक्या, 109 विधानसभा क्षेत्र से किशनी से इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया, 110 करहल विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद मैदान में हैं। आज पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद कानपुर देहात द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए नामांकन स्थल कलेक्ट्रेट परिसर भ्रमण किया गया। निरीक्षण कर नामांकन ड्यूटी में लगे पुलिस बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल आईटीबीपी के जवानों को ब्रीफ किया गया है और आदर्श आचार संहिता कोविड-19 की गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन कराने के लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन कानपुर देहात में अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई और आदर्श आचार संहिता कोविड-19 की गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन कराने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए हमारी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर क्षेत्र में लोगों से माहौल जान रही है। जो हमारी टीम ने सिवालखास विधानसभा क्षेत्र के कस्बा हर्रा में जाकर लोगों से माहौल जानने की कोशिश की, क्या कुछ कहना है लोगों का, देखिए। चुनाव के डेट जिस तरीके से नजदीक आ रही है, वैसे जो प्रत्याशी है उनकी धड़कने बढ़ रही है, लेकिन न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और दिखाने की कोशिश कर रही है कि पुरानी हुकूमत के प्रतिनिधियों ने क्या क्या किया और जनप्रतिनिधियों के काम किस तरीके से लोगों के जहन में है भी या नहीं, या क्या काम हुए हैं, किन मुद्दों पर ये चुनाव होगा, ये जानने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं सिवाल खास विधानसभा सीट के हर्रा कस्बे में। काफ़ी बड़ा कस्बा है, मुस्लिम बहुल इलाका है। ऐसे में सीट पर दो कैंडिडेट हैं, समाजवादी पार्टी से गुलाम मोहम्मद जो गठबंधन के हैं मुस्लिम है, और बहुजन समाज पार्टी से नन्ने प्रधान, दो कैंडिडेट हैं, दोनों ही मुस्लिम हैं। कांटे की टक्कर मानी जा रही है, लेकिन इससे पहले जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ के जो हालात हैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ के हालात दिखाएं किस तरीके के यहाँ हालात हैं। जो सड़कें हैं उनके ठीक बराबर में सर्विस रोड नहीं बनी है और सर्विस रोड ना बनने के चलते जो समस्याएँ हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। ये देखिए किस तरीके के हालात यहाँ बने हुए हैं, लोगों को निकलने पड़ने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं और ये मेन माना जाता है बड़ौद को जोड़ने वाला लिंक मार हाईवे है। मेरे साथ तमाम लोग जुड़ेंगे, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, इस बार क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं जहन में, किस आधार पर वोट करने जा रहे हैं। भाई जी, जो गुलाम साहब हैं हमारे यहाँ पहले विधायक रह चुके, उन्होंने हमारे यहाँ जो भी काम करे पार्टी बेस पर करे, तो उनको तो वोट जाने की नहीं दी। हम वोट करेंगे नन्हे प्रधान को, अपने भाई हैं, अच्छे आदमी हैं, अच्छी छवि के आदमी हैं, नन्हे प्रधान को वोट जाए। अच्छा, वोट क्या सोचा है? गुलाम मोहम्मद तो पहले रहे, वर्तमान में यहाँ जितेंद्र सतवाई हैं, सतवाई गांव के इसी इलाके के पड़ते हैं, वो रहे, वो दिखाई नहीं दिए इधर क्या? वो तो जी जानते ही ना, जब उन्हें देखे ही ना किसी ने, तो उनका तो चेहरा ही ना जानता कोई। अच्छा, ये देखा जा रहा है जो काम नहीं हुए उसको लेकर लोगों में रोष है, क्या नाम है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में, क्या सोचकर वोट करने जा रहे हैं? सोच के तो वोट कर रहे कि विकास हो और जितने भी सारा अच्छा ही काम हो। अब जो सतवाई जी थे वे तो एक वोट लेने के लिए आ गए, अब तक यहाँ कोई चेहरा भी नहीं रखा किसी ने, उनके घूमने भी नहीं आए। वो तो हम तो मुस्लिम हो गए, मुस्लिम ने वो हिंदुओं में भी नहीं आए किसी में भी, और बिरादरी में किसी में आए नहीं। वोटों के आठ नाम क्या हैं, शायद उनका टिकट इसने काटा गया। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप युवा पीढ़ी है, मेरे पास कुछ युवा पीढ़ी जुड़ी हुई है। अच्छा, ऐसी क्या वजह रही है कि जो अब माहौल है वो बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है 120,000 मुस्लिम वोटर हैं, दो कैंडिडेट हैं, कैसे सीट को निकाल पाएंगे? सब कुछ साफ है, जनता जागरूक है और जनता भी इस बार चाहती है कि हमें प्रोफेशनल विधायक नहीं चाहिए, ज़मीन से जुड़ा हुआ विधायक चाहिए जो हमारे काम कर सके, हमारी परेशानियों को परेशानी समझे, हमारे साथ मिलजुल के खड़ा हो। तो जनता को साफ दिख रहा है कि किसे इस बार चुनना है, किसे विधायक बनाना है। 2017 के अगर मैं आंकड़े रखूँ तो ये जो विधानसभा है सिवाल खास वाली, ये मुस्लिम बहुल इलाका है, लगभग 116,000 मुस्लिम मतदाता हैं इसमें, और लगभग जो है 56,000-57,000 जो है दलित मतदाता हैं। तो 2017 में अगर मुसलमान एक होकर
नदीम चौहान को वोट दे देते, लगभग 30-35 हज़ार वोट की ज़रूरत थी, तो नदीम चौहान लगभग 75-80 हज़ार से विधायक बन जाते। तो लोग जाग गए हैं, लोग 2017 को फिर से दोहराना नहीं चाहते। लोगों का मानना है अगर एक इस बार हम दलित समाज और मुस्लिम समाज मिल के बसपा को वोट कर दे तो इस बार सिवाल खास विधानसभा में बसपा का विधायक होना तय है। समीकरण से कुछ होने का तो नहीं, जो सरकार में जो सरकार बनाने के स्थिति हैं वो अखिलेश यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी और योगी आदित्यनाथ चक्कर में हैं। अच्छा, अखिलेश यादव की आप बात करें, उनकी भाभी तो भाजपा में चली गई। भाभी से कुछ नहीं होने का, वो तो पूछाई गई है। नहीं जी, इस चीज के लिए पूछाई गई, कुछ आशीर्वाद लेकर के, मुलायम सिंह से आशीर्वाद लेकर के भाजपा में चली गई हैं, भले ही चिल्लाते रहे। वो कुछ लेने के लिए गई हैं जी, वो कुछ लेके नहीं आएंगी। क्या लेके आएंगी? बस कुछ लेके आएंगी। नहीं, आपको पता है सियासत है जी, ये सियासत को कोई नहीं बता सकता। सियासत के समीकरण भी तो होते हैं। समीकरण तो यही है, इंशाल्लाह गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, गठबंधन की सरकार बन रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बन सकती। जिसपे अपनी बहू नहीं रुकी वो क्या सरकार बनाएंगे। और रही गठबंधन की बात, जाट कौन कर रहा है? जाट समाज जो है सपोर्ट कर रहा है गठबंधन को। आप सिवाल खास विधानसभा की बात ले लीजिए, आपकी सिवाल खास विधानसभा में जितने भी जाट है सब में रोष है, जो पहले रिजल्ट हुए हो सब गुस्से में है, सब नाराज है। जो गुस्से में क्यों है? गलत नहीं भाई, गुस्से में होना उनका जायज है। सुनील रोडा जी है, राजकुमार सांगवान जी है, जो प्रत्याशी थे जिनके मन में था। राजकुमार सांगवान जी ने शादी नहीं करी, उनका उनका कहना ये था जिस दिन मुझे सिवालकाज विधानसभा से टिकट मिल जाएगा मैं शादी कर लूंगा। उन्होंने, आपको लगता है जो जाट भाई है जो साइलेंट है और जो विरोध कर रहे हैं उससे नुकसान होगा गठबंधन को? नहीं होगा जी, पूरी वोट देंगे। उनका कहना है कि गठबंधन को अगर उनकी 65 हज़ार अगर पूरी वोट मिल जाती तो जयंत चौधरी सांसद होते इस क्षेत्र से। नहीं, वो तो अलग मुद्दे पे चुनाव होता, वो हिंदू मुस्लिम पे चुनाव होता, लेकिन अब हिंदू मुस्लिम नहीं, अब क्या हिंदू मुस्लिम पे चुनाव कैसे नहीं हो रहा है? अब क्या तो किसान और मजदूर का चुनाव है। किसान मजदूर कौन है? आंदोलन पे किसान मजदूर कौन है? किसान मजदूर तो जी, अरे मुस्लिम और जाति तो हो गए। हाँ जी, किसान मजदूर। देखिए, आप कितने ही कह लीजिए लेकिन जातिगत समीकरण बनते हैं। केराना पड़ोसी हमारा जिला है जी, जी। शामली, वहाँ पर खुद गृह मंत्री पहुँचे। क्यों पहुँचे भाई? इसलिए पहुंचे कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो जाए। बस तो हम तो वही कह रहे हैं, होने का तो हिंदू मुस्लिम होगा नहीं होगा? हिंदू मुस्लिम पे चुनाव है, सबको दिख रहा है, सब साफ नजर आ रहे हैं, सारा चुनाव हिंदू मुस्लिम पे तो टिका हुआ है। अगर हिंदू मुस्लिम हुआ तो किसको फायदा होगा? तो मेरे भाई बहन कुमारी मायावती भी नहीं रोकने की हिंदू मुस्लिम को, तो हिंदू मुस्लिम को तो कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन उनके पास 40% जो क्षेत्र में विधानसभा में दलित है वो कैसे रुकेंगे? नहीं, हमारे पास भी तो यहाँ 1.5 लाख वोट है, केवल बसपा ही जीत रहा है। तमाम पार्टियां, सपा, भाजपा, MIM, तमाम पार्टी आप देख लीजिए, केवल बसपा एक ऐसी पार्टी है जो अपना वोट बैंक लेके चलती है और जिसका वोट बैंक पूरी तरह से रिजर्व है। और बसपा का प्रत्याशी को पता है कि तू अपनी जो 40,000-50,000 वोट है गुल्लक में रख के चल रहा है, तेरी जो गिनती होनी है उस रिजर्वेशन के ऊपर से होनी है, बाकी तमाम प्रत्याशी को जीरो से लेकर के गिनती करानी होती है। ये बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी उनके साथ ये सेक्टर है, हर विधानसभा सीट पर उनके ऐसे वोटर्स होते हैं जो रिजर्व होते हैं और उसी के चलते समीकरण बिगड़ते हैं और विधायक बनते हैं। हालांकि इस सीट का अगर इतिहास बनाऊं, जिस सीट पर मैं मौजूद हूं, यहां पर पूर्व में 2017 में जो चुनाव हुआ, यहां पर लोक दल से भी कैंडिडेट उतरा, भाजपा से उतरा, सपा बसपा से उतरा, लेकिन हैरत की बात है सपा बसपा ने दोनों मुस्लिम कैंडिडेट उतारे और दोनों में क्लैश हो गया, दोनों हार गए। भाजपा के जितेंद्र सतवाई जीत गए, लेकिन इस बार भाजपा के जितेंद्र सतवाई जो कि MLA थे उनका टिकट काट दिया गया है और उसमें भी पूरा विरोध हो रहा है, जो जिनका टिकट हुआ है यहाँ पर उनका पूरा विरोध है। ऐसे में जो गठबंधन के कैंडिडेट हैं उनका भी कुछ विरोध देखने को मिल रहा है और बहुजन समाज पार्टी के आंकड़े हैं कि उनके पास प्लस में वोट है, तो तीनों की टक्कर मानी जा रही है। लेकिन जिस जब गुल्लकें खुलेंगी और जब रिजल्ट आएगा उसमें क्या कुछ निकलेगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मेरठ के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी का जबरदस्त विरोध हुआ, जहां काफिले पर पथराव किया गया। जी हाँ, ये जो तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, तस्वीरें मेरठ के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के झुड़गांव की है, जहां भाजपा प्रत्याशी मनिंदर पाल का काफिला मौजूद था। लेकिन यहां अचानक से लोगों में हंगामा होने लगा और देखते ही देखते राष्ट्रीय लोकदल के झंडे लहराए जाने लगे। इतना ही नहीं, जब काफिला आगे बढ़ने लगा तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर हमला कर दिया गया। गाड़ी पर पथराव करते हुए गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। हालांकि इस दौरान यहाँ से गाड़ी तेजी से निकल गई, लेकिन इस बात से ये साफ होता है कि इस बार किसानों में भाजपा के प्रति काफी गुस्सा है, खासतौर से जाट बाहुल्य गांव के अंदर भाजपा की मुखावलत हो रही है। आपको बता दें कि सीट पर पहले जितेंद्र पाल सतवाई को उतारा गया था, जो कि विधायक रहे, लेकिन अब उनका टिकट काटते हुए मनिंदर पाल को प्रत्याशी बना दिया गया है। इसी के चलते मनिंदर पाल का काफी विरोध हो रहा है। ग्राम के ये सरगना थाना क्षेत्र में पड़ता है और विधानसभा सिवाल खास है। इसमें जो प्रत्याशी हैं उनकी कुछ गाड़ियां जा रही थी छोर ग्राम से,
तो गांव के कुछ लोगों के द्वारा दूसरे पार्टी के झंडे दिखाए गए और पथराव करने का भी वीडियो सामने आया है। इनके द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। अभी जो गांव के कुछ लोग कोविड नियमों का उल्लंघन करके जो वहां पे भीड़ जमा थी उसके तहत पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मेरठ के सिवाल खास से गठबंधन के उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद का प्रचार रद्द होने से बच गया है। बताया जा रहा है कि शादी घर के टैक्स को लेकर आपत्ति जताई थी और यहाँ पर यह पर्चा अब स्वीकृत हुआ है। नगर निगम में टैक्स जमा नहीं हुआ था। गुलाम मोहम्मद ने विपक्ष के उम्मीदवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि प्रशासन पर हमें पूरा भरोसा है, विपक्ष के लोग भी देख लें कि प्रशासन इंसाफ करता है। कुछ ना कुछ थोड़ा कुछ कमी अगर रह जाए उस पर ऑब्जेक्शन कुछ लोगों ने किया जानबूझ करके, और तो हम तो शासन पर पूरी तरह से वो इंसाफ होना चाहिए और हुआ, हमारा पूरा यकीन है। और जो साजिश करने वाले लोग हैं उनको भी ये एहसास होना चाहिए कि सही बात सही होती है और यहाँ सही हमारा सब है, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों ने या इलेक्शन कमीशन ने हमारे नामांकन को और जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज थी वो सही बना और हमारा नाम डिस्प्ले किया। चौबीस जनवरी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीजीपी ने रेलवे स्टेशन, बस अड्डो, बाजारों, मॉल, होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशालाओं में प्रभावी चेकिंग के निर्देश दिए। इंटेलिजेंस को भी एक्टिव रहने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव के आवास के पास ड्यूटी करते समय पीएससी की सिपाही मनोज कुमार मौर्य ने खुद को गोली मार ली, जिसके बाद उसे सिविल अस्पताल से केजीएमयू ट्रामा सेंटर भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। ये पूरा मामला थाना गौतमपल्ली 3 कालिदास मार्ग का बताया जा रहा है। बदायूं के 117 विधानसभा दातागंज सीट में चुनावी माहौल क्या है? 14 फरवरी को यहां मतदान भी होना है। प्रत्याशियों के चुनावी वादे भी खूब हो रहे हैं, लेकिन जनता के साथ साथ व्यापारी वर्ग क्या चाहता है, उनके मन में क्या है, ये भी जानना जरूरी है। 117 विधानसभा की जनता क्या चाहती है, देखिए। मैं हूँ विजय राठौर, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया 117 विधानसभा दातागंज के जो क्षेत्र नगर पंचायत उसाबा पड़ती है, उसाबा में पहुंची है और यहां से जानेंगे कि जनता क्या चाहती है। जनता के जान मन की बात जानने के लिए एक बार व्यापारी वर्ग को भी खंगाला जाए कि व्यापारी वर्ग क्या चाहता है। हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम तरह के व्यापारी लोग हैं, अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि 14 फरवरी को यहाँ मतदान होना है और क्या सोचते हैं व्यापारी वर्ग। 5 वर्ष यहाँ पर भाजपा का शासन रहा, भैया क्या किसकी सरकार बनवा रहे हैं? सरकार तो बनेगी बीजेपी की, लेकिन अधिकारी इस सरकार में ज़्यादा बेहोश रहा, अधिकारी पे कोई आंकुश नहीं रहा, अधिकारी बेलगाम रहा, खुलेआम निस्पत मांग रहा। मैं एक बार साना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए डीएम आवास पे गया तो उसने 5,000 रुपये मांगे, किसी का नाम नहीं खोला और वैसाई मुझे पकड़ा दिया। तो मैंने उसने मुझसे पूछा कि क्या करोगे बारसाना का, तो मैंने कहा वो एक किस्त रह गई आने को, तो उसने कहा 2.5 लाख का मामला है, कितना पैसा मुझे दोगे। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं वो आवास में घोटाला हुआ है? आवास की बात कर रहे हैं? आवास की भी घोटाला की बात कर रहा हूँ। और अधिकारी ऐसे लेके जेट तक अधिकारी कोई भी कसौटी पे सरकार से तालमेल मिला के काम नहीं किया अधिकारियों ने। तो क्या चाहते हैं, अभी 14 फरवरी को मतदान होना है, बदलाव चाहते हैं या वही सरकार रखेंगे? सरकार तो बीजेपी की आएगी और भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता भी हूं और सरकार तो कोई दोहरा ही नहीं है। जी बिल्कुल। और भैया हमारे साथ हैं, क्या यहां पे बदलाव लाएंगे या सरकार किसकी बनवा रहे हैं? सरकार हर समय बदलनी चाहिए और हर 5 साल में बदलती है और बदलती रहेगी। 5 वर्ष से भाजपा का शासन है, क्या लग रहा है कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पे? 5 साल के पहले भी बदलाव हुआ, फिर बदलाव हुआ और आगे फिर भी बदलाव होगा। अच्छा, 117 विधानसभा में कौन कौन से कार्य हुए वो बता दीजिए आप। हमें तो कोई विकास, केवल एक ही डिग्री कॉलेज बन रहा है, बाकी तो और कोई हमें कार्य नहीं दिखाई। यहाँ तो 3,000 करोड़ का काम किया है बब्बू विधायक रहे हैं राजीव कुमार सिंह, क्या लगता है?
हमें तो कहीं देखने को नहीं दिखाई देगा जी भैया। 3000 करोड़? अरे एक पैसा कम ना है बाबू है। क्यों ना देख ले चलेगा आप क्षेत्र में देखा यहाँ यहाँ टाउन एरिया में देखा क्या हुआ है। अच्छा किस किस तरह का 3000 करोड़ में HPCL और तमाम तरह की फैक्ट्रियां आई हैं? यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा और बस आई है फैक्ट्रियां आई हैं। कैथवाल फैक्ट्री का निर्माण किया, सजनी प्लांट है, हैं और डिग्री कॉलेज है उसावा में, हैं एथवाइल है, अग्निशमन केंद्र है, इंटर कॉलेज है गौतरा में, इंटर कॉलेज है 4 इंटर कॉलेज 1 डिग्री कॉलेज। अच्छा ये आपकी नगर पंचायत उसावा, उसावा में इस समय चेयरमैन कौन है? उसावा में धीरेंद्र गुप्ता। अच्छा, किस किस तरह के कार्य हुए हैं यहाँ पे? धीरेंद्र गुप्ता ने कार्य तो ठीक किए हैं, ठीक है, पर हमें धीरेंद्र गुप्ता से कोई लेन देन नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है, ना कोई संबंध है। राजीव कुमार बब्बू भैया ने काम किया है, उनके बारे में बात करें। नगर पंचायत उसावा है, उसावा में किस किस तरह के कार्य हुए हैं? उसावा में जितना बड़ा विकास बीजेपी सरकार ने किया है वो आज 70 साल पहले से किसी सरकार ने आज तक करके नहीं दिखाया है। इस क्षेत्र में, इस थाने में यहाँ की जनता अन्य सरकारों में रोडों पर मारी जाती थी और वो अपना दुखड़ा थाने में कहने जाते थे तो वही नेता वहाँ बैठकर उनका दुखड़ा सुनने की जगह उन्हें हवालात में बंद कर दिया जाता था। मेरा नाम अभय सिंह यादव है। यहाँ शत्रु और दानव इतने बढ़ गए थे, अत्याचार घोर इतना बढ़ रहा था कि हर मोड़ पर हर शख्स के साथ अन्याय होने लगा था। और जब से बीजेपी सरकार आई है, योगी सरकार आई है, हर आदमी सुरक्षित है, हर आदमी आज डर भय मुक्त है और कोई किसी से घबरा नहीं रहा है। मेरे ऊपर इतने बड़े, मैं यादव हूँ, अकेला हूँ अपने दोनों गांव के अंदर, लेकिन हमसे लोग कहते हैं कि सपा सरकार आ गई तो इतने इतने मोटे चूतर कर दिए जाएंगे, बसने के लिए जगह ढूंढ लेना अगर सपा सरकार आ गई तो। बताइए ये क्या सपा सरकार वालों का महत्व है, ये कहने का अधिकार है कि आप कहीं बसने के लिए जगह ढूंढ लें? मेरा बाप जो है सपा में मर गया लेकिन मैंने दामन थाना थामा है तो सिर्फ रामा दल का थामा है। और तीनों लोग इकट्ठे हो जाओ दानवो, तुमको इस पृथ्वी से मिटना है, मैं वादा करता हूँ। 2022 अभी सरकार बनाएंगे तो 14 फरवरी को मतदान करेंगे, करेंगे चुन चुन कर मतदान फूल के लिए करेंगे। और मेरा कहना बहुत बढ़िया जी दादा, किसकी किसकी सरकार बनवा रहे हैं? बीजेपी की। अच्छा क्यों, बीजेपी ने ऐसा क्या देखा? गुंडा राज ना है तो बहुत खत्म हो, गुंडा राज खत्म। बदायूं जिले में 6 की 6 सीटें दूंगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को जी माता जी क्या लग रहा है, कौन सी सरकार ला रही है? समय तो फिर मोदी की है भाई की। क्यों का सबको भलो होए, हमारे भलो ना होए, सबको भलो होए और मोदी की आ भाई बस। ये बताया जाता है महंगाई बहुत बढ़ गई मोदी सरकार में, तो कहूँ महंगाई है, कहूँ लूटन मारे, कहूँ तमंचा है, कहूँ बंदूक है, कहूँ औरत के लिए और आदमी के लिए इज्जत है 12 बजे, कहूँ औरत आदमी लिखा जाए कोई डर तो ना है। बहुत बढ़िया, और कोई डर आप क्या मान रही है? बीजेपी में शांति है, सुरक्षा है, बहुत शांति है, महिलाएं सुरक्षित हैं, सब शांति है। बहुत जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, प्रत्याशी हर तरह से जनता को अपनी तरफ लाने का प्रयास हर पार्टी कर रही है। वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बदायूं जनपद की दातागंज 117 विधानसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी से बात की हमारे संवाददाता विजय राठौर ने, सुनिए क्या कहना है बीएसपी प्रत्याशी का। एक बार फिर 117 विधानसभा दातागंज में मैं पहुंच चुका हूं। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं विजय राठौर। आज बात करेंगे 117 विधानसभा बीएसपी के प्रत्याशी रचित गुप्ता से, उनसे जानेंगे। अभी हाल ही में रचित गुप्ता पे जो है आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा भी दर्ज हुआ है और जानेंगे कि बहन जी की जो नीतियां हैं बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से सारी कार्य होता है, उसके बावजूद आचार संहिता और भीड़ जुटाने जैसा मुकदमा दर्ज आप पे हुआ है। रचित जी, मैं जानना चाहूँगा क्या कारण रहा जो इस तरह से आपने उल्लंघन किया? मैंने कोई उल्लंघन नहीं किया, मेरी कोई पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई है और मुकदमा लिखना तो ये लिखा ही जाना था। मुझे लग रहा है ये बहुत छोटा सा मुकदमा है जो मेरे ऊपर लिखा गया, मुझे उम्मीद थी कि मेरे ऊपर कई बड़े बड़े मुकदमे लिखे जाएंगे और मुझे जेल भेजने की पूरी तैयारी की जाएगी। और इस मुकदमे से ये जाहिर हो रहा है कि विरोधी कितना बौखला गए हैं, कितना बसपा का जन समर्थन देख के कि लोग पीछे कितना है उनको देख के बौखला से गए हैं और ये छोटा सा मुकदमा है। मैं तो प्रशासन को पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी तो जान की सुरक्षा की जाए। मैं 2 महीने पहले प्रशासन को अवगत करा चुका हूँ कि मेरी जान की सुरक्षा की जाए, अगर मेरे को तो जान का भी खतरा है इन लोगों से।
जी बिल्कुल रचित जी, अगर बहन जी की बात की जाए तो बहन जी ने पूरे प्रदेश में एक दूसरे से जिस जो संदेश दिया है कि साइलेंट तरीके से अनुशासन के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तो उस पर बहन जी की क्या नीतियां हैं? बिल्कुल अनुशासन, हमारी पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है, मैं बिल्कुल अनुशासन के साथ चल रहा हूँ। अभी भी देख लीजिए आप मेरी गाड़ी में मेरे ड्राइवर के सिवा कोई भी नहीं है, मैं और मेरा ड्राइवर और बाकी लोग जो आएंगे वो अपने आप जिस गांव में जाऊंगा वहां लोग अपने आप मेरे सेक्टर अध्यक्ष इकट्ठे हो जाएंगे, वो मुझे क्षेत्र मेरा घुमा देंगे। कोई भी अनुशासनहीनता नहीं की गई है, ये तो सिर्फ और सिर्फ कुछ माध्यम है जिनकी वजह से ये किया जा रहा है। मेरा पुराना वीडियो अपलोड कर दिया गया, साजिश बस ये किया गया है। अच्छा रचित जी, अगर बात राजनीति की करें, 117 विधानसभा, 400,000 से ऊपर मतदाता है यहाँ पे, तो किस तरह से आप मतदाता के बीच में जा रहे हैं? आने वाले समय में 14 फरवरी को यहाँ पे मतदान होना है, तो हम जो जो आप तैयारी कर रहे हैं एक वर्चुअल के माध्यम से डिजिटल तरीके से, तो जनता को किस तरह से जो है आकर्षित कर रहे हैं, उसके बीच जा करके क्या नीतियाँ अपना रहे हैं जिससे मतदाता आपकी तरह प्रभावित हो? मेरी सोशल मीडिया टीम अपना काम कर रही है, मैं वर्चुअल तरीके से अपनी जनता से बात कर रहा हूँ, मैं 1-to-1 फ़ोन कॉल्स पे बात कर रहा हूँ, कॉल सेंटर डेवलप्ड है मेरा, मेरा कॉल सेंटर के लोग बात करते हैं, जहाँ मेरी ज़रूरत होती है वो लोग मेरे को कॉन कॉल पे लेके उनसे मेरी बात कराते हैं। और निसंदेह 400,000 वोटर है, एक एक वोटर के दिल में बसा हुआ हूँ, और इस चुनाव को मेरे को जीतने से अब कोई रोक ही नहीं सकता। मेरे ऊपर जो अपार प्रेम मेरी जनता का है उसे देख के लोग विरोधी बौखला से गए हैं, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, एक यहाँ पर 117 विधानसभा जो है, मैंने अभी बात की हमारे साथ थे रचित गुप्ता, वो बता रहे थे कि यहाँ की बहन जी की जो नीतियाँ क्या हैं, उनकी जो अनुशासन की तरह काम करने वाली जो नीति है उसको जो मैं फॉलो करके जो है 117 विधानसभा में कार्य कर रहा हूँ। कैमरा पर्सन वाहिद के साथ विजय राठौर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। चुनावों की तारीखों की घोषणा होने के बाद सभी सियासी दल अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है, वहीं नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। दातागंज विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह ने नामांकन किया। बीजेपी प्रत्याशी राजीव सिंह से खास बातचीत की विजय राठौर ने सुनी। जा रहे हैं किस तरह से जो है जनता के बीच, अपना क्या मुद्दा लेकर के जा रहे हैं और जनता के बीच किस किस तरह की जो है वादे लेकर के जा रहे हैं, जो 2017 से और 22 तक जो पूरे नहीं हुए उनको किस तरह से आप आने वाले समय में पूरा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, हम वादे नहीं करते हैं, हम काम करते हैं। हमने जनता को राशन देने का काम किया, किसान सम्मान निधि देने का काम किया, उज्ज्वला गैस के सिलेंडर देने का काम किया, गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड देने का काम किया, माताओं बहनों के सम्मान के लिए हमने शौचालय और प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने इतने काम किए हैं कि गांव वाले लोग हमारे पहुंचते ही सीधे कहते हैं कि हम तो मोदी जी को वोट देंगे, हम योगी जी को वोट देंगे, कमल के फूल का बटन दबाकर हम उनके हाथों को मजबूत करेंगे। और मैंने भी अपने स्तर से विधानसभा में जहाँ तक संभव हुआ है हर गाँव में कुछ ना कुछ काम कराने का प्रयास किया है। जनता ने मन बना लिया है, एक तरफा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है, और लहर ये दातागंज में नहीं, पूरे जनपद बदायूं में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 350 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने मन बनाकर देने का काम किया है। विधायक जी, एक पिक्चर का गाना आया था कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, ये एक सटीक यहाँ दातागंज विधानसभा पे बैठ रहा है कि करने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, तो आपने जो विधानसभा में करने का काम किया है वादा नहीं किया? देखिए, हमने कितने काम किए इस विधानसभा में, 70 साल में कोई फायर स्टेशन नहीं था, मैंने फायर स्टेशन बनवाया, एक जिला कृषि विज्ञान केंद्र बनवाया, कोई आज़ाद भारत में राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं था, एक राजकीय डिग्री कॉलेज बनवाया, रामगंगा पे पुल बनवाया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की HPCL की एक CNG गैस और एथेनॉल की फैक्ट्री लगवाई, महिला PSC की बटालियन दातागंज में है, एक बहुत बड़ा 132 KV का बिजली घर, 5 हाई स्कूल, कितने छोटे छोटे पुल और पुलियां, सड़क, सारा अंत्येष्टि स्थल, पंचायत घर, पूरे क्षेत्र में काम किया है, और काम के साथ ईमानदारी से निष्पक्षता के भाव पर पूरे जनता की सेवा करने का काम किया है। जनता पूरी तरीके से हमारे साथ है, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सारे वर्ग और सारे जातियों के लोग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे हैं। विधायक जी, ऐसा क्या लगता है कि 2017 से 22 तक जो काम अधूरे रह गए या अभी होने को विधानसभा में बाकी हैं, तो अभी कौन कौन से ऐसे कार्य जो बाकी बचे हैं? अगर काम जनता की, अगर जनार्दन की हमारी इच्छा होगी, मांग होगी, तो जो काम कुछ रह भी गए होंगे तो उनको अगले
सत्र में पूरा किया जाएगा, कहीं कोई उनमें कमी नहीं आएगी। जो भी अच्छे से अच्छे काम होंगे, जो भी अधिक से अधिक विकास करने की बात होगी दाँतागंज में, वो हर चीज़ होगी जो किसी विधानसभा में नहीं होगी, वो दाँतागंज विधानसभा में करने का काम। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। वेदांता एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012 and I'm currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi, I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala, opposite RIMC Main Gate, Garhi Cant, Dehradun. Mobile number 9319700579. At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The Dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसी गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डट कर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। अगर आप हैं किडनी जैसी गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डट कर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं।
वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्शना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for the venture Vedanta. And I just good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार। वेदांता एन एक्सक्लूसिव IAS इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून उत्तराखंड, 11A नींबूवाला अपोजिट RIMC मेन गेट गढ़ी कैंट देहरादून, मोबाइल नंबर 9319700579। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं।
At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक